सबसे बड़ा म्यूजियम है। इसमें लोग अपनी हजारों साल पुरानी इकट्ठा की हुई चीजें दिखाते हैं। इस म्यूजियम में करोड़ों रुपए के कीमती चीजें हैं। हमें हर पल अलर्ट रहना है। कुछ भी चोरी हुआ तो नौकरी गई समझो। री 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 नौकरी। अम्मा यस सर। लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट अरे ये क्या है? सुंदर है ना? ये मुझे दे दो। अरे ये तो मेरा है। ये मेरा मेरा अमीर। ये क्या है? इतनी सुंदर लाइट जल रही है। अति सुंदर। अब आएगा बता। एक दो तीन। मोटू पतलू जल्दी आओ, म्यूजियम में चोर घुस गए हैं। अम्मा या मेरी मास्टर चीज। जान बनेगा जान, जान बनेगा जान, 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 जान। मैंने तुम्हें अंदर पहुंचा दिया है। अब लाओ मेरे 5 करोड़। अभी काम पूरा नहीं हुआ। मिस्टर मैडॉक्स का हुक्म है कि इस लाइफ कैम गैजेट से इस म्यूजियम के 3 खतरनाक एनिमल्स की फोटो खींचनी है। और फिर रुकना नहीं है, फौरन यहाँ से भाग जाना है। भाग जाना है तो क्या खाली फोटो खींचने के लिए इतनी मेहनत कर रहे? हमें कुछ नहीं पता, जितना बॉस ने बोला उतना कर देते हैं। चलो हमारा पहला टारगेट उधर है। वो देखो बड़ा एनिमल। पहले इस गोरिल्ला की फोटो खींचते हैं। ये क्या हो रहा है? अरे ना डाका पड़ेगा और ना होगी यहाँ चोरी। आ गई है मोटू पतलू की चोरी। सही में आ गई है। जहाँ मैं जाता हूँ वही चले आते हो। मोटे पतलू तुम मुझे इतना क्यों सताते हो? अरे जॉन तुम। डोंट वरी जॉन, टैंकर नाम सुन के पानी समझा क्या? आग में आग, डाका भी पड़ेगा और होगी चोरी, लेकिन पहले पिटेगी मोटू पतलू की जोड़ी। साथियों अटैक। उस तरफ क्या है वो? हमसे चालाकी है। Oh!
मुझे क्या देख रहे हो? मार उठे! होश! कोई आवाज नहीं आ रही है, लगता है सब चले गए क्या? अरे बाप रे! अरे तुम चोरी चकारी के अलावा कोई और काम नहीं कर सकते? कर सकता हूँ, कर सकता हूँ। मैं बहुत तेज भाग सकता हूँ। जल्दी भाग यहाँ से, जल्दी भाग यहाँ से। अरे पतलू चोर तो भाग गए। टैंकर, तुम लोगों को छोटा सा काम दिया था, उसमें भी फेल हो गए। लेकिन ये जॉन फेल नहीं हुआ है सर, मेरा काम था इनको अंदर तक पहुंचाना और मैंने पहुंचा दिया। मेरे 5 करोड़ दे दीजिए प्लीज। जॉन, जब तक तेरा काम नहीं हो जाता तब तक 1 पैसा नहीं मिलेगा। हो सकता है हमें फिर से अंदर जाना पड़े। लाओ लाइफ कैम गैजेट मुझे दो। अब ये काम मैं खुद ही करूँगा। सॉरी मिस्टर मैडॉक्स, म्यूजियम में अचानक 2 लोग आ गए। उनका नाम मोटू पतलू था। उनसे फाइट करते वक्त लाइव कैम गैजेट म्यूजियम में ही गिर गया। क्या कहा तुमने? मेरे सालों की मेहनत को ऐसे ही गिरा दिया और उसके बाद भी मेरे सामने शान से खड़े हो। मिस्टर मैडॉक्स, सॉरी, हमें एक मौका दीजिए। हम ये काम करके ही रहेंगे, आई प्रॉमिस यू। कंट्रोल मैडॉक्स, कंट्रोल। जाओ फिर से म्यूजियम में वो डिवाइस लेकर आओ। जी जी जी। मिस्टर मैडॉक्स, एक बार अंदर ले जाने का 5 करोड़ था और दोबारा ले जाने का फिर से 5 करोड़, टोटल 10 करोड़ देने होंगे। 10 करोड़ लूंगा। कहाँ लेके जा रहे हो मुझे? क्योंकि आप हमारे प्रेस्टीजियस क्लाइंट हैं, इसलिए मैं एक फ्री ट्रिप का ऑफर देता हूँ। लेकिन आज नहीं जा सकते, कल रात को चलेंगे। थैंक यू, तुम बहुत अच्छे और समझदार इंसान हो। आखिर ये लोग क्या चोरी करना चाहते हैं? चिंगम सर, ये सब क्या हो रहा है? ये है म्यूजियम के मैनेजर मिस्टर हितेश। कौन है चोर, कहाँ से आए? मोटू पतलू, यहाँ चोरी की खबर मिलते ही हम आ गए। चोरी क्या हुआ? द नेम इज चिंगम, और चिंगम के रहते कोई चोरी नहीं कर सकता। चोर लोग भाग गए, उनको समझ में आ गया कि चिंगम के चंगुल से बचना इम्पॉसिबल है। बोले तो इम्पॉसिबल है, आई मीन मोटू पतलू के चंगुल से बचना इम्पॉसिबल है। थैंक यू मोटू पतलू जी, आपने सही समय पर आकर चोरी होने से बचा लिया। चलिए अंदर चलते हैं। चलो अंदर चलते हैं। यार ये तो बहुत बड़ा और शानदार म्यूजियम है यारी। आपने सही कहा डॉक्टर झटका, बहुत ही प्यारा चमत्कार। कमाल की जगह है ये। अरे वाह, कमाल है। हेलो, अरे कुछ तो बोलो। अरे मोटू, वो तो पुतला है, पुतला।
ओह अच्छा अच्छा, लेकिन कितना असली लगता है ये लाइट। किस चीज की आ रही है, ये क्या है? अरे देखो तो, लगता है चोर अपना कैमरा भूल गए। यार वाह, लाओ कैमरा मुझे दो। लाओ मुझे देखने दो यार। अरे मोटो रुक जाओ, वो कोई नॉर्मल कैम नहीं लग रहा है। लो यार, ये कैमरा मुझे मिला है, इस कैमरे से एक फोटो तो बनती है। रुक जाओ मोटो। किसकी खींचूं, किसकी खींचूं? उस गोरिल्ले की खींचता हूँ। मोटू मेरे पैर मेरी यार, इसमें से तो रेस निकली। ये तो कोई गैजेट है यारी। अरे ये क्या बोल रहे हो, मुझे राम तुम ही रखो इसे। उधर देखो। अरे ये जिंदा कैसे हो गया? उरी बाबा, ये तो जिंदा हो गया। बड़े भैया मुझे भी साथ ले लो। हेलो, अरे तुम गोरिल्ला की तरह क्यों चिल्ला रहे हो? मुझे मेरी पाई आवाज ये नहीं, वो निकल रहा है। अरे बाप रे, पूरी स्केटिंग करना भी नहीं आता? मोटो ये क्या टाइम पास कर रहे हो? भागो यहाँ से! निकल लो यार! उड़ी बाबा, उड़ी बाबा! मामूनी, 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 मामूनी! उसे लगने वाला है। भागो भागो यहाँ से, वरना वो हमें खत्म कर देगा। अरे खाली
खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं चलती। इससे बचने का कोई रास्ता सोचो पतलू। आइडिया सुना मोटू। उस गोरिल्ला के सिर पे जाके तबला बजाओ। बढ़िया है, ओ, बहुत खूबसूरत है। क्या जगह है? ओए मोटू मेरे भाई, मेरे यार वो गैजेट बहुत खतरनाक है, वो मुझे दे दो यार। ओए पता नहीं तुमने कौन सा बटन दबा दिया और वो गोरिल्ला जिंदा हो गया। अरे बड़े भैया, जब लगता है कि ये गैजेट खतरनाक है तो मैं इसे तोड़ ही डालता हूँ। ये क्या क्या मोटू? बाबा इसकी कमी थी, अब ये ड्रैगन और पैंथर भी जिंदा हो गए। अब हमारी जिंदगी काल होना हो, लेकिन आज ऊपर वाले के पास जाने से पहले एक काम करना है। साथियों साथ दो। अरे नहीं रे, चलो भागो यहाँ से। ड्रैगन आया, भागो। बचाओ रे। गोरिल्ला के सिर पे जाके तबला बजाओ। एक तरफ हुआ, एक तरफ है। अब किधर जाए? मुझे मेरे भाई। भागो, वो आग फेंकने वाला है। Ha!
भी होने को आई है। इन्हें हम आसानी से पकड़ सकते हैं यार, अब हमें मुश्किल नहीं होगी। ओए, ओए, इन सबको स्नैच से पकड़ लेते हैं। ये तो बड़ा हो रहा है। ये एनिमल्स बड़े कैसे हो रहे हैं? वो लगता है सेंड्रेस का इन पे कोई रिएक्शन हो रहा है। तो जंगल की तरफ भाग गए हैं। अब क्या करें? पतलो, खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती। जल्दी से कुछ सोचो ना। हमें भी उनके पीछे जंगल में जाके उन्हें रोकना होगा। अब मैं क्या करूं? मेरी तो नौकरी चली जाएगी। डोंट वरी सर, हम उन एनिमल्स को लेके आएंगे। चलो पतलो। चलो आज रात हम म्यूजियम पे अटैक करके वो लाइव कैम गैजेट ले आएंगे। मेरी गलती है कि मैंने पहले तुम्हें उसकी इम्पोर्टेंस नहीं बताई, वरना तुम उसे छोड़ के नहीं भागते। मैं बताता हूँ, मेरे सारे की मेहनत से बनाया हुआ गैजेट क्या कमाल कर सकता है। वो गैजेट स्टैचू बने हुए जानवरों को जिंदा कर सकता है और उनको जायंट बना सकता है।
तुम्हें मेरे टॉप सीक्रेट्स कैसे पता चले? सिर्फ मैं या मेरे साइंटिस्ट ही इस सीक्रेट को जानते हैं। कौन है वो गद्दार? टैंकर। इससे पूछो किसने मेरे साथ गद्दारी की। लगता है बॉस मार खाने के लिए पैदा हुए। किसी ने गद्दारी नहीं की। वो म्यूजियम से निकल भी चुके हैं और जाइंट भी हो गए हैं। टीवी म्यूट पे है, आवाज बुला के देखो। ये एक अनहोनी हो गई है। म्यूजियम में रखे 3 जानवरों के स्टैचू पता नहीं कैसे जिंदा हो गए और वो एनिमल्स जाइंट भी हो गए हैं। फुरफुरी नगर के बाहर के जंगल में वो जाके घूम रहे हैं। उन्होंने पूरे शहर में तहलका मचा दिया है। यस, मेरा एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो गया। इट्स पार्टी टाइम। La 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 la. अरे यहाँ तो सिर्फ गाड़ियाँ ही हैं। यहाँ कहीं कोई उन बड़े एनिमल से तो नहीं है। पतलू वो रहा कि कौन? बुड़ी पापा, इसे नॉर्मल कैसे करें? अरे बाप रे, वो रोड के बहुत नजदीक आ गया है और वहाँ गाड़ियाँ भी है। अब क्या करें? और पतलू बच्चों को बचाते हैं। आप कार ड्राइव करके किंग कॉन्ग का ध्यान भटकाइए। ओके, चलो। जाओ। पतलू तुम ड्राइविंग सीट पे जाओ, मैं इसे देखता हूँ। बचाओ, डरना नहीं। ये क्या, एक तरफ पैंथर, दूसरी तरफ किंग कॉन्ग। फायर करने वाला है।
पास ले जाओ। मैं इस पैंथर को देखता हूँ। आओ आओ इधर आओ, मैं तुमसे लड़ूंगा। कम ऑन। तो खड़े खड़े देख क्या रहे हो? भागो वहाँ से! अरे पतलू, किंग कॉन्ग मुझे बचा रहा है। मैं उसे थैंक्स बोलने के लिए रुका हूँ। किंग कॉन्ग भैया, वापस शहर जाता हूँ और वहाँ से बैकअप लेके आता हूँ। जल्दी आना चिंगम सर। एनिमल्स को जंगल से फुरफुरी नगर बुलाकर अपना प्लान पूरा करूंगा। ये एनिमल्स फुरफुरी नगर से सबको भगा देंगे और फुरफुरी नगर खाली हो जाएगा। लेकिन आप उनको बुलाएंगे कैसे? मेरे माथे पे जो डायमंड लगा है उससे कमांड उन तक जाएंगे और मैं यहाँ से जो इंस्ट्रक्शंस रिले करूँगा वो उनको समझ आएगा और वो मेरे कमांड को फॉलो करेंगे। ये कैसा डायमंड है? All the best, Mr. Maddox. और हाँ, एक खास बात, इस गैजेट को देखो, जब मैं मेडिटेट कर रहा हूँ ये इंडिकेटर ऊपर जाएगा। जब तक ग्रीन में है मैं सेफ हूँ, लेकिन रेड में आते ही अलार्म बजने लगेगा ताकि मैं मेडिटेशन रोक दूँ। अगर नहीं रोक पाया तो तुम लोग कुछ भी करके मुझे जगा देना, ओके? अगर मैं मेडिटेशन से बाहर नहीं निकला तो मेरे माथे का डायमंड टूट जाएगा और उससे मेरी जान को तो खतरा है ही। उन एनिमल्स को भी मैं दोबारा कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। ओके सर, रेडी। कम टू मी, मेरे पास आओ। कम टू मी, मेरे पास आओ। कम टू मी, मेरे पास आओ।
पास आओ। मेरे पास आओ। तुम मुझे सुन पा रहे हो? आओ मेरे पास। कम टू मी। तुम मेरे कब्जे में हो। आओ मेरे पास। इन एनिमल्स को ये क्या हो रहा है? मैं इन्हें क्या हो गया यार? अरे ये क्या, तीनों ने ऐसा बिहेव किया जैसे उनको किसी ने कोई इंस्ट्रक्शन दिया हो और तीनों एक ही डायरेक्शन में भाग के चल दिए। अरे पतलू, एक ही डायरेक्शन में नहीं, तीनों फुरफुरी नगर की तरफ जा रहे हैं। वो देखो, उन्हें रोकना होगा वरना फुरफुरी नगर तबाह हो जाएगा। क्या करूं क्या करूं? चिंगम सर कहाँ हो? मैं टैंक लेकर आ गया हूँ, एक एक को टैंक के गोलों से शूट कर दूंगा। तुम आओ और देखो। सबसे आगे किंग कॉन्ग है, उसका नंबर पहला है। ओके टैंक सर, किंग कॉन्ग को नहीं मारना, वो अच्छा लड़का है। लड़का? सॉरी, कुछ नहीं कुछ नहीं, मेरा मतलब अच्छा किंग कॉन्ग है, किंग कॉन्ग। नहीं रे, अब रे। नहीं, तुम्हारे अच्छे किंग कॉन्ग ने मेरी हालत खराब कर दी। ये गैजेट रिपेयर हो गया, अब हम उन एनिमल्स को वापस स्टैचू बना सकते हैं। चिंगम सर, काम हो गया। डोंट फायर, डोंट फायर। तुम्हारा अच्छा लड़का अच्छा नहीं, बहुत गंदा है। अब मैं नहीं, फायर वो कर रहा है। जल्दी से उस गैजेट का इस्तेमाल करो, इसे स्टैचू बनाओ, वरना ये हमें कुछ भी बनाने के लायक नहीं छोड़ेगा। सॉरी मुझे मेरे पैर में यार है, अब ये रिपेयर के काबिल नहीं रहा। ओह नो, मैं इनको नहीं छोड़ूंगा। हमें जल्दी जाके उन्हें रोकना होगा, लेकिन रोकेंगे कैसे? हमारी फ्लाइंग कार तो खराब हो गई। मेरे यारो, डोंट वरी, मैं हूँ ना, ये लो जेट शूज। थैंक यू। चलो। कम टू मी, मेरे पास आओ। तुम मुझे सुन पा रहे हो? तुम मेरे कब्जे में हो। मीटर रेड की तरफ बढ़ रहा है, कैप्टन मैडॉक्स को जगाना होगा। अरे क्या हो रहा है, जल्दी जगाओ इनको, अर्थक्वेक आ रहा है। कम टू मी, मेरे पास आओ। आओ मेरे पास। कम टू मी, मेरे पास आओ। मिस्टर मैडॉक्स की जान खतरे में है, कुछ तो करना होगा। कम टू मी, मेरे पास आओ। कम टू मी, मेरे पास आओ। कम टू मी, मेरे पास आओ। अब क्या करूं? कम टू मी, मेरे पास आओ। अरे देख क्या रहे हो, पानी फेंको। तुम मुझे सुन पा रहे हो? तुम मेरे कब्जे में हो। आओ मेरे पास।
सर उठिए, मीटर रेड आग टच कर चुका है। सर जी उठिए, अब मुझे कुछ करना पड़ेगा। बाबा अब मोटू का तरीका आजमाना पड़ेगा। मुझे शॉक प्रूफ ग्लव्स पहनने पड़ेंगे। ये बॉस को मार रहा है। आई आउच, मेरी कमर, मेरी पीठ, मेरा पांव, इतना क्यों दर्द कर रहा है रे? ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने मुझे बहुत पीटा है। मिस्टर मैडॉक्स आप ठीक तो हैं? मिस्टर मैडॉक्स मैं आपकी थोड़ी सी मसाज कर देता हूँ। ये सब छोड़ो, पहले ये बताओ किसने पीट पीट कर जगाया मुझे? किसने? जल्दी बताओ जल्दी। ये है वो। सॉरी सर, सॉरी। ओ जॉन, थैंक यू, थैंक यू, तुमने मेरी जान बचाई। जाइंट एनिमल्स की लोकेशन चेक करनी होगी। हम हेलीकॉप्टर से उन जाइंट एनिमल्स की शूटिंग कर रहे हैं। अभी मिले सूत्रों के अनुसार वो शहर के बाहर वाली पहाड़ी से शहर की ओर बढ़ रहे हैं। मेरे कमांड्स काम कर रहे हैं, अब उन एनिमल्स को मैं आगे की कमांड्स भेजता हूँ। तुम मुझे सुन पा रहे हो? तुम मेरे कब्जे में हो, आओ और शहर में तबाही मचाओ। तुम मुझे सुन पा रहे हो? आओ मेरे पास। अरे ये तो शहर की तरफ जा रहे हैं। कैमरा जूम करो, जूम। अरे ये क्या ड्रग है? अरे नहीं, भागो! अरे बाप रे, किंग कॉन्ग का एनिमल्स, चलो! मेरी प्लानिंग का पहला फेज सक्सेसफुल रहा। अब बस मुझे ये शहर खाली करवाना है। आप फुरफुरी नगर को खाली क्यों करवाना चाहते हैं? क्या है ऐसा फुरफुरी नगर में? गुड क्वेश्चन। ये देखो, इस शहर के नीचे रोडियम मेटल का अपार भंडार है। रोडियम मेटल दुनिया का सबसे कीमती मेटल है। शहर खाली हो जाएगा तो पूरा मेटल मेरा होगा और मैं दुनिया में कुछ भी कर सकता हूँ। फिर तो मेरा शहर 5 करोड़ नहीं बल्कि कम से कम 50 करोड़ होना चाहिए। टैंकर, अब कहाँ ले जा रहे हो मुझे? समझ गया, तुम मुझे 50 रुपए भी नहीं देने वाले हो। मुझे अब उन एनिमल्स को वापस कंट्रोल करके हर डायरेक्शन में भेज के ये शहर खाली करवाना है। एक बार ये शहर खाली हो गया फिर मैं आराम से रोडियम मेटल निकालने का काम शुरू कर सकता हूँ। पतलू
इन जायंट एनिमल्स को रोकना ही होगा। सलामत हो। चलो बिल्कुल। अरे ये क्या है? हमें इन्हें रोकना ही होगा। मोटू अब तो ड्रैगन भी आ गया है। हमें ही कुछ करना होगा। क्या करे क्या करे। चलो पतलू, फायर ब्रिगेड से किंग कॉन्ग की मदद करनी होगी। मतलब पानी ऑन करो। पैंथर छोड़ो। हे, इधर देखो, इधर इधर। बचाओ! बचाओ! अरे नहीं! अब देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। बड़े भैया जाके पतलू की हेल्प करो। ठीक है, क्या करूं क्या करूं। ओए पतलू, ये लो। डॉक्टर झटका इस जायंट से लड़ने के लिए मिला तो मिला है,
ये खिलौना मिला। ओए मेरे भाई मेरे यार, इस खिलौने ने तुम्हें बचा तो लिया। पतलू रुको, मैं भी आया। मोटू ऊपर देखो। ये क्या हो गया? क्या करूं? अरे ये क्या, पानी खत्म हो गया। तुम्हें मेरे पास आओ। तुम मुझे सुन पा रहे हो? तुम मेरे कब्जे में हो। जाओ, तबाही मचाओ। यार, इनको किसी गैजेट से रेस के थ्रू मैसेज जा रहा है और ये उसको ही फॉलो कर रहे हैं। मुझे पता चल गया है कि वो रेस कहाँ से आ रही है। चलो मेरे भाई मेरे यार। अरे मोटू चलो भी। तुम मुझे सुन पा रहे हो? तुम मेरे कब्जे में हो। जाओ और तबाही मचाओ। रेस उस बिल्डिंग से आ रही है यारी। ये तो मोटू पतलू ही है। इधर ही आ रहे हैं। उन्हें कैसे पता चला कि हम यहाँ हैं? जैसे शेर अंधेरे में भी अपने शिकार को पकड़ लेता है, जैसे बाज आसमान की ऊंचाई से भी नीचे अपने शिकार को देखकर जकड़ लेता है, जैसे चमगादड़ की आंखें ना होते हुए भी वो अपने शिकार को धर लेता है, वैसे ही मोटू पतलू अपना शिकार ढूंढ ही लेती है। और आज तुम लोग उनका शिकार हो। हम ही क्यों, तुम क्यों नहीं? मैं तो उनका झुनझुना हूँ। वो कभी भी बजा के चले जाती है। वो आज तुम्हें भी तबले की तरह बजाएंगे। टेरेस पे जाओ और उनको नीचे आने से रोको। मिस्टर मैडॉक्स को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। लगता है कोई आ रहा है। लगता है ये लोग फाइट के बिना नहीं मानेंगे। चलो शुरू हो जाते हैं। वाह पप्पू, बहुत बढ़िया। और किंगडम के चंगू से बचना इम्पॉसिबल है। बोले तो इम्पॉसिबल है। अरे ये क्या? ओए मेरे भाई मेरे यार, मैं एक डॉक्टर हूँ। डॉक्टर अब आराम की जरूरत है। नेक्स्ट।
यार लगता है एक हफ्ता मुझे ही आराम करना पड़ेगा। मेरी कमर टूट गई। एक महीना बेड रेस्ट। मेरे पैर टूट गए। 3 दिन तक आराम। चलो एक काम तो खत्म हुआ। वो तो इन सब की तो वाट लग गई। मुझे जल्दी जाके मैडॉक्स को जगाना होगा। आप बताओ यहाँ क्या चल रहा है? वो एनिमल्स कैसे जिंदा हुए? उनसे तबाही क्यों मचवाई जा रही है? और तुम्हारा बॉस कौन है? बहुत सारे सवाल हैं तुम्हारे दिमाग में। कौन बोला? जल्दी बताओ कौन बोला? बताओ। पीछे देखो पीछे। ऊपर वाले के पास जाने से पहले जवाब सुन लो। मैंने बहुत सालों की रिसर्च के बाद स्टैचूज को जिंदा करने का गैजेट बनाया और तभी मुझे पता चला कि फुरफुरी नगर के नीचे रोडियम मेटल का भंडार है। ये दुनिया का सबसे कॉस्टली मेटल है। और इसलिए तुमने वो एनिमल्स जिंदा करवा दिए ताकि उनसे डर के फुरफुरी नगर के लोग भाग जाए और पूरा का पूरा रोडियम मेटल का भंडार तुम्हारा हो जाए। बहुत इंटेलिजेंट हो, इतनी जल्दी समझ गए। मिस्टर मैडॉक्स, तुम फौरन उन एनिमल्स को कंट्रोल करके शांत करो वरना अच्छा नहीं होगा। तुम्हारे तेवर देख के लगता है कि तुम लड़ना चाहते हो। कम ऑन, लेट्स फाइट। मेरा मिशन पूरा करने से नहीं रोक सकते। ये क्या हो रहा है? अरे भैया जल्दी कुछ करो। नहीं रे। Ha 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 ha
जल्दी कुछ सोचो, नहीं तो ये हमारा कॉन्स्टेबल बना देगा। अरे पतलू, खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती, जल्दी कुछ सोचो ना। ये तुम लोगों ने ये क्या कर दिया, मेरा सपना तोड़ दिया। उड़ी बाबा, लगता है उसको बहुत गहरा सदमा लगा है। सदमा तो तुम लोगों को लगने वाला है, तुमने मेरा सपना पूरा होने से रोक दिया। अब तुम्हारा सपना भी पूरा नहीं होगा, फुरफुरी नगर अब बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि मेरा डायमंड टूटने के बाद अब मैं भी उन एनिमल्स को कंट्रोल नहीं कर सकता, अब वो जो चाहेंगे करेंगे। मैंने सब कुछ सुन लिया है मिस्टर मैडॉक्स, यू आर अंडर अरेस्ट। बहुत देर हो चुकी है, अब कुछ नहीं हो सकता। इसे मार के कुछ फायदा नहीं, कुछ सोचने दो। आइडिया डॉक्टर झटका, मिस्टर मैडॉक्स के मुताबिक अब कुछ नहीं हो सकता, सब बर्बाद हो के ही रहेगा। लेकिन क्या आप कोई ऐसा एंटीडोट तैयार कर सकते हैं जिससे एनिमल्स वापस स्टैचू बन जाए? पत्नी मेरे भाई मेरी यार, मुझे थोड़ा टाइम दो, मैंने इसके गैजेट को अच्छी तरह से स्टडी कर लिया है यार। कौन सा गैजेट है? ओ ये वाला गैजेट। अयो ये तो टूटा हुआ है। अयो अब डॉक्टर जट का कुछ भी करके गैजेट बना लेंगे, ही इज द बेस्ट। एंटीडोट जल्दी ही तैयार हो जाएगा। ओके ठीक है, तब तक हम एनिमल्स को फुरफुरी नगर से दूर ले जाती है ताकि शहर में बर्बादी ना हो। चलो मोटो। जाता हूँ और इनको शहर के बाहर ले जाता हूँ। कम ऑन, आओ मुझसे लड़ो, ए तीन सिर वाले ड्रैगन। वहाँ क्या कर रहे हो, मुझे पकड़ के दिखाओ। ए दो दुम वाले पैंथर, आओ मुझसे लड़ो। अरे मोटो भागो रे, भागो रे। ओए
एंटीडोट भी तैयार हो जाएगा यारी। मोटू ने अपनी जान पे खेल के शहर तो बचा लिया है, लेकिन एक बुरी खबर है। वो खबर आर्मी के जनरल मल्होत्रा देंगे। इस शहर के बाहर उस खंडर जैसे इलाके में हमारा सीक्रेट न्यूक्लियर बॉम्ब्स का एक स्टोरेज है। वहाँ न्यूक्लियर बॉम्ब्स रखे हुए हैं, जो डिफेंस वालों को छोड़कर किसी को नहीं पता है। अगर इन एनिमल्स ने वहाँ तोड़ फोड़ की तो न्यूक्लियर बॉम्ब्स ब्लास्ट हो जाएंगे और फुरफुरी नगर के साथ साथ आस पास के सारे शहर और लोग खत्म हो जाएंगे। मोटू को रोकना होगा, मोटू को रोकना होगा। अरे कैसे भी रोको, मेरा म्यूजियम बर्बाद हो गया तो मैं भी कहीं का नहीं रहूंगा। अरे पाप मैनेजर, सब चुप रहो। अगर न्यूक्लियर डंप में ब्लास्ट हो गया तो कोई कहीं का नहीं रहेगा। अरे माँ, हेलो पतलो, मोटू रुक जाओ, वहाँ न्यूक्लियर बॉम्ब का स्टोरेज है। न्यूक्लियर बॉम्ब! अरे अब तो हम यहाँ पहुँच चुके हैं, अब जाए तो कहाँ जाए। नहीं रे, भागो रे। मोटू संभालो अपने आप को। मोटू जल्दी से उस खंडहर में चलो। रस्सियाँ उठा लो, उस पैंथर को पकड़ना है। बिल्कुल सही। अरे भागो रे! लेकिन क्या तुम एंटी दोस्त बन गए हो? किधर हो बड़े भैया, किधर हो? ओए एंटी दोस्त नहीं यार, एंटी डोट लेके आया हूँ। ये लो मेरे भाई। अरे क्या बात है, थैंक यू बड़े भैया। मोटो फायर! हो जा, इसे ऑन कैसे करो? बताया है नहीं? ओ यार मैनुअल में देख रहा होगा। बड़े भैया कहाँ फंसा दिया रे? सेफ्टी कैच ऑफ होगा, उसे ऑन करो। ओके। हाँ।
ये कैसी आवाज? तब मुझे अपना शिकार बना के दिखाओ। की भलाई के लिए तुम्हें वापस स्टैचू बनना होगा। तुम बुरा तो नहीं मानोगे ना? तुम्हें स्टैचू नहीं बना सकता रे। तुम बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे। किंग कॉन्ग भैया, मैं तुम्हें स्टैचू नहीं बना सकता रे। किंग कॉन्ग भैया, तुम मेरे साथ रहोगे, मेरे साथ। अरे
अरे मोटू, ये इमोशनल होने का टाइम नहीं है। वो स्टैचू ही था, उसे फिर से स्टैचू बना दो। डिंग डॉन्ग भैया। नहीं नहीं, मुझे माफ करना दोस्त। सॉरी किंग कॉन्ग दोस्त, चाहता तो मैं भी नहीं, लेकिन इसी में सबकी भलाई है। मोटू ने अपनी जान पे खेल के शहर तो बचा लिया है। अच्छा है, मेरी नौकरी बच गई। मेरा प्लान तो चौपट हो गया। कहीं ना कहीं कभी ना कभी मोटू पतलू से बदला लूंगा। मोटू पतलू, तुम्हारी वजह से सब ठीक हो गया। क्या तुम अपने किंग कॉन्ग दोस्त के साथ फोटो नहीं खिंचवाना चाहोगे? नहीं, जरूर खींचेंगे। पंख बिना भी उड़ जाते हैं, हर मुश्किल में जुड़ जाते हैं। पंख बिना भी उड़ जाते हैं, हर मुश्किल में जुड़ जाते हैं। अरे हाथ पकड़ के चढ़ जाते हैं, अरे हाथ पकड़ के चढ़ जाते हैं। गाड़ी घोड़ी